अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास थ्री सब्जेक्ट हमारा है मैथ्स और टॉपिक है हमारा नंबर्स। कल हमने एक्सरसाइज की थी अपनी, जो प्रीवियस हमारी एक्सरसाइज थी एक्सरसाइज वन डे, वो कम्प्लीट हो चुकी थी कल। और साथ ही मैंने आपको थोड़ा सा कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग द नंबर्स, इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था। बाकी कहा था कि वो आपको मैं कल करवाऊंगी। अब आप फौरन से अपनी बुक्स का पेज नंबर 16 ओपन करें, ठीक है, क्योंकि ये बुक से ही मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। ये कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग द नंबर्स, यहाँ पर इन्होंने नंबर्स हमें दिए हुए हैं, ग्रेटर देन, इज इक्वल एंड स्मॉलर देन, और इनको बोला है कि कंपेयर करें उसे के साथ, ठीक है। बेसिकली हम ये थ्री नंबर्स ही यूज़ करते हैं और फिर इनको यूज़ करके ही हम क्या करते हैं, इन साइन को यूज़ करके नंबर्स को कंपेयर करते हैं। जैसे ये देखिए, ये क्रोकोडाइल है, इसकी ये जो क्लोज्ड वाली साइड है, ये वाली, ये क्लोज साइज जो करती है किसको, लेस देन को, ठीक है। ये इसकी ओपन साइड है, और ओपन साइड किस चीज़ को शो कर रही है, ये ग्रेटर देन को शो करती है, ठीक है। जो ओपन साइड है वो किसको शो करती है, ग्रेटर देन को, आपने हमेशा याद रखना है। ये देखें, ये इसकी क्या है, ये क्लोज साइज है, तो क्लोज साइज मीन कि ये क्या है, स्मॉलर देन। जहाँ पर ये क्लोज साइज होगी जिस नंबर की तरफ, वो स्मॉलर देन होगा, और जहाँ से इसकी ये ओपन साइड होगी, ठीक है, ये वाली साइड जिस साइड को होगी, तो वो नंबर ग्रेटर देन होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमें वो कहते हैं कि रिमेंबर, ये लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्या है, इसको आपने हमेशा रिमेंबर रखना है। When we compare two numbers, जब हम two numbers को आपस में compare करते हैं with each other, एक दूसरे के साथ, there are three possibilities। तो उस number को जब हम दो number लेते हैं, उन दोनों को आपस में compare करते हैं, तो उनकी three possibilities होंगी, क्या, या तो एक number दूसरे number के equal होगा, या एक number दूसरे number से क्या होगा, greater than होगा, या एक number दूसरे number से smaller than होगा, ठीक है, ये होगा उनमें। अब देखें, नंबर वन पे क्या है, द फर्स्ट नंबर इज़ इक्वल टू द सेकंड नंबर, कि एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि एक नंबर, फर्स्ट वाला जो नंबर है वो दूसरे नंबर के इक्वल होगा, तो इक्वल के लिए हम कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं, ये इज इक्वल का साइन, ठीक है। नंबर टू, सेकंड वाली पॉसिबिलिटी क्या होगी, द फर्स्ट नंबर इज़ ग्रेटर दैन द सेकंड नंबर, तो यहाँ ये होगा कि एक नंबर जो है वो फर्स्ट वाला नंबर दूसरे नंबर के ग्रेटर होगा, तो ग्रेटर के लिए हम कौन सा साइन यूज़ करते हैं, ये ग्रेटर दैन का, ठीक है। थर्ड वाली पॉसिबिलिटी क्या होगी, कि एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर से छोटा होगा, लेस देन होगा, तो लेस देन के लिए, स्मॉलर के लिए हम क्या करते हैं, स्मॉलर और लेस देन जो है वो एक ही होता है, ठीक है, स्मॉलर होगा, तो स्मॉलर के लिए हम कौन सा साइन यूज़ करते हैं, दिस वन, ठीक है, जिस साइड को ये क्लोज्ड होगा जो फेस है उसका, तो वो क्या है, स्मॉलर देन के लिए, ठीक है। तो आज हम इसी से रिलेटेड यहाँ पर एक एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है हमारी ये पेज नंबर 17 से, ये एग्जाम्पल नंबर 11, इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 12 जो है उसको देखेंगे कि वो आपने करनी है या मैं आपको करवाऊँ, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 11 जो है उसको ओपन करें आप, ठीक है, अपनी बुक को देखें। एक नंबर पॉसिबिलिटीज कौन कौन सी हैं, कि अगर मैं कहती हूँ 8 है, दूसरा मेरे पास भी नंबर 8 है, ठीक है, तो एक पॉसिबिलिटी क्या है कि 8 दोनों एक दूसरे के क्या है, इक्वल है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर एक नंबर लेती हूँ 8 और दूसरा लेती हूँ 5, अब मुझे बताएं कि कौन सा नंबर इनमें से ग्रेटर है, 8 ग्रेटर है ना, तो कौन सा नंबर ग्रेटर होगा उसकी तरफ मैं ऐसे क्या करूँगी, साइन पुट कर दूंगी, और 5 स्मॉलर है ना, तो 5 की तरफ क्लोज फेस है, 8 ग्रेटर है तो 8 की तरफ क्या है, उसका फेस है, उसका माउथ जो है वो खुला हुआ है। अब अगर मैं एक नंबर लेती हूँ, मैं कहती हूँ यहाँ पर मैं एक और नंबर ले लेती हूँ 5, और इधर मैं ले लेती हूँ 3, ठीक है, सॉरी 5 है, और यहाँ मैं ले लेती हूँ 6, ठीक है। अब मुझे बताएं कि 5 ग्रेटर है या 6 ग्रेटर है, 6 ग्रेटर है ना, तो अब 6 की तरफ क्या है, क्लोज फेस है, अब हमें पता चल गया कि 5 स्मॉलर है और 6 क्या है, ग्रेटर है, ठीक है। तो इस तरह से हमने इन नंबर्स को आपस में कंपेयर करना है, और फिर हमें पता चलेगा कि किस तरह से डिफरेंट नंबर्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ इज इक्वल, ग्रेटर या फिर स्मॉलर है। अभी एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल से हमें एग्जैक्टली पता चल जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 11 है, कंपेयर द नंबर्स 85,621 एंड 89,321 एंड टेल
विच नंबर इज स्मॉलर, कहते हैं ये दो नंबर्स उन्होंने हमें दिए हुए हैं, इन दोनों को कंपेयर करें और फिर बताएं कि इन दोनों में से कौन सा नंबर स्मॉलर है। ठीक है, स्मॉलर के बारे में मैं पूछ रही हूँ। तो इसको करने के लिए सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, स्टेप वन क्या है हमारे पास, कंपेयर द डिजिट्स एट 10,000 प्लेस। पहले हम इस डिजिट को लिखेंगे, ठीक है, इन डिजिट्स को लिख के फिर हम क्या करेंगे, इनको 10,000 प्लेस पर कंपेयर करेंगे एक दूसरे के साथ। चलिए अब हम इनको क्या करते हैं, लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये वाला जो नंबर है इसको लिखते हैं 8, 10,000 कितने हैं इसमें, 8 10,000 है, थाउजेंड्स कितने हैं 500, कितने हैं 6, टेंस कितने हैं 2 और वंस कितने हैं 1। ठीक है, पूरा आ गया ना ये डिजिट। ठीक है, अब आगे क्या है दूसरे वाला, 8 10,000 है, 9,000 है, 300 है, 2 टेंस है और 1 वंस। आपने वंस वाली साइड से कंपेयर नहीं करना, ठीक है, जो वंस वाली साइड से करेंगे तो वो हमारा आंसर इनकरेक्ट हो जाएगा, हमेशा ग्रेटर साइड से करेंगे। अब पहले 10,000 प्लेस पे करना है, अब यहाँ पर भी 8 है, यहाँ पर भी 8 है, दोनों क्या हैं सेम है, एज 8 इज इक्वल्स टू 8। 10,000 प्लेस पे हमने किया तो हमें पता चला 8 जो है वो किसके इक्वल है, 8 के इक्वल है। अब हम उससे आगे वाले डिजिट को कंपेयर करेंगे, जब फर्स्ट वाले 2 डिजिट सेम अगर आ जाए तो फिर हमने क्या करना है, उससे नेक्स्ट वाला जो डिजिट होता है उसको कंपेयर करना होता है। ठीक है, As 8 is equals to 8, so we compare the digits at thousands place. अब पहले 10,000 place पे दोनों same थे, अब हम क्या करेंगे 1,000 place पे इन दोनों को compare करेंगे। अब 10,000 place पे दोबारा सारा digit लिखेंगे और फिर इनको 1,000 place पे क्या करेंगे compare कर लेंगे। Same as 8, 10,000, 5,000, 600, 21 हमारे पास number है, इसको compare करेंगे हम 8,000, 89,321। तो अब हमें पता चला कि यहाँ पर दोनों नंबर सेम नहीं है, एक नंबर 5 है और दूसरा, सॉरी एक डिजिट 5 है और दूसरा डिजिट क्या आ गया हमारे पास 9। अब दोनों डिजिट सेम नहीं है, कंपेयर द डिजिट्स एट 1000 प्लेस। जब हमने 1000 प्लेस पर डिजिट्स को कंपेयर किया तो हमने देखा दे आर 5 and 9, तो वहां पर वो क्या आ गया 5 और 9 आ गया। एज 5 इज स्मॉलर देन 9, अब 5 स्मॉलर है ना तो 5 की तरफ क्लोज फेस, ठीक है, और जो 9 है वो ग्रेटर है, इसलिए इस साइड को 9 की तरफ हमने ग्रेटर का साइन लगाया। अब आप ये नहीं कर सकते कि आप यहाँ पर ऐसे करके 5 जो है ऐसे लिख के 5 ऐसे कर दें, ये क्रॉस वर्ड हो जाएगा, क्योंकि ये ग्रेटर देन का साइन ये नहीं के इसकी तरफ ग्रेटर है, तो मींस 5 को हम ग्रेटर कह रहे हैं, जो कि गलत है, क्योंकि यहाँ पर 5 ग्रेटर नहीं है बल्कि 9 ग्रेटर है 5 से। ठीक है, इसलिए 9 की तरफ इसका फेस खुला हुआ है। सो 85,621 इज डैश टू 89,321। अब मुझे बताएं कि कौन सा नंबर ग्रेटर हुआ जिसमें 9,000 आ रहा है। ठीक है, तो ये नंबर जो है 89,000 ये ग्रेटर है और 85,000 स्मॉलर है, तो हमने स्मॉलर नंबर देखना ना दोनों में से कौन सा है, क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है, तो फिर हम कहेंगे 85,621 इज स्मॉलर। ठीक है, इज स्मॉलर देन 89,321। ओके, तो ये आज हमने पेज नंबर 16 और 17 से कंपैरिजन किया पहले नंबर्स का, और फिर इसके बाद एक्सरसाइज की है, सॉरी एग्जांपल की है 11। अब कल आगे हम एग्जांपल नंबर 12 और 13 करेंगे, सेम एज वैसे ही है जैसे हमने पहले की हैं, ठीक है, लेकिन चले मैं आपको दोबारा करवा दूंगी ताकि आपको अच्छी तरह से आप इसको अंडरस्टैंड कर लें, ताकि हमारे क्वेश्चंस करने हमारे लिए आगे से ईजी हो जाए। थैंक यू।